ये जम्मू कश्मीर का सबसे पहला ऑर्बिटल एथरेक्टमी का जो केस है, और चूंकि हमने इसको हाइब्रिड किया, हमने ऑर्बिटल एथरेक्टमी किया और ऑर्बिटो और इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी भी की, जिसको हम लोग ऑर्बिटोट्रिप्सी बोलते हैं। ऑर्बिटोट्रिप्सी का ये अपर नॉर्थ जोन जो है, अपर नॉर्थ, उसमें सबसे पहला केस। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। हार्ट अटैक की बात की जाए तो इस तरह की समस्या जो है वो आए दिन सुनने को मिलती है, और हार्ट के पेशेंट जो है वो हर दूसरे घर में जो है वो देखने और सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे में हार्ट को लेकर जो है किस तरह से ठीक रखना चाहिए, और किस तरह से हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है इसको लेकर ट्रीटमेंट दे रहा है और किस तरह से काम कर, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है रजौरी से एक व्यक्ति आता है यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और उससे पहले कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में वो जाता है, उसको हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर जो है सभी डॉक्टर्स द्वारा जो है हाथ खड़े कर दिए गए, लेकिन उस व्यक्ति को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजा और उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ, और आज वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। और जिनके द्वारा ये ट्रीटमेंट परफॉर्म किया गया, हमारे साथ डॉक्टर मकबूल हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, लगातार ऐसा देखा जाता है कि जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही बोला कि हर दूसरे घर पे हम हार्ट पेशेंट देखते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन वो देखते हैं, उनमें इस तरह की परेशानी रहती है। इवन कि जो छोटे छोटे आज के यूथ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हार्ट के कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग रहा, जो 75 वर्ष का जो एक व्यक्ति था जिसका ट्रीटमेंट जो आपके द्वारा किया गया, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम उनको थी। देखिए, ये जो पेशेंट था इसको एक मेजर हार्ट अटैक आया था, और ये पेशेंट हार्ट अटैक दो दिन पहले आया था। ये पेशेंट एक प्राइवेट सेंटर में चला गया था जहाँ पे उन्होंने इसकी एंजियोग्राफी की थी, और एंजियोग्राफी में इसकी जो लेफ़्ट मेन नाड़ी जो होती है, जिसको हम लोग लेफ़्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी थी, वो 99% ब्लॉक्ड थी। नीचे जो नाड़ियाँ होती है उसके नीचे, उनमें फ़्लो भी कम था, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये सिर्फ 99% ब्लॉक्ड नहीं थी, इसमें बहुत सारा कैल्शियम जमा था उस पॉइंट पे, जिसकी वजह से ये पेशेंट बहुत ही चैलेंजिंग था। और ओब्वियसली प्राइवेट सेंटर में, छोटे सेंटर्स में इस तरह के केस करना बहुत ही मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन बात है। तो किस तरह से आपने सक्सेसफुली उसे किया, और वो इक्विपमेंट्स जो है वो बाकी अस्पतालों में थे कि यहाँ पर हैं, क्या कुछ? इसको बेसिकली इस पेशेंट के लिए बाईपास सर्जरी भी अच्छा रहता, जिसका हमने उन्होंने प्राइवेट में भी ऑप्शन दिया था, हमने भी इसको ऑप्शन दिया, लेकिन ये पेशेंट बाईपास सर्जरी कराने के लिए राज़ी नहीं था। ही वांटेड एन अल्टरनेटिव थिंग। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इस तरह की नाड़ियाँ जिनमें कैल्शियम होता है, इनमें बड़ी बार डिफ़िकल्टी होती है हार्डवेयर पास करने में, इवन जो स्टंट है या उससे पहले जो बैलूनिंग हम करते हैं वो बैलून क्रॉस नहीं होते हैं, या अगर क्रॉस भी होते हैं तो उसके बाद वो अच्छे से खुलते नहीं हैं। जो रिजल्ट्स होते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस हम वहाँ से कैल्शियम हटा दें, जिसके हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जी। जो सबसे पुराना तरीका है उसको हम लोग रोटा एब्लेशन बोलते हैं, या कई बार हम लोग कटिंग बैलून, स्कोरिंग बैलून्स वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो कैल्शियम, जिस तरह का कैल्शियम इसको बैठा हुआ था, ये मेन लेफ्ट सिस्टम की जो मेन नाड़ी थी, ये नोड्यूलर कैल्शियम था, वो नोड्यूलर कैल्शियम हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार रोटा भी फेल हो जाता है। इसके लिए हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं दो हैं, एक ऑर्बिटल एथरेक्टमी है और एक इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी। ये ऑर्बिटल एथरेक्टमी भी रोटा एब्लेशन की तरह ही है, बट इसके कुछ फ़ायदे ये होते हैं कि ये न सिर्फ सुपरफिशियल कैल्शियम बल्कि डीपर कैल्शियम को भी हटा देता है, और उसमें क्रैक्स कर देता है, फ्रैक्चर्स कर देता है, माइक्रो फ्रैक्चर्स। और जो इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी होती है, ये एक बैलून होता है जिससे शॉक वेव्स निकलती हैं, जो कैल्शियम में बड़े बड़े फ्रैक्चर्स करता है। ये दो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, ऑर्बिटल एथरेक्टमी और इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी। ये ऑर्बिटल एथरेक्टमी जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक डायमंड कोटेड बर होता है जो अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमता रहता है और इस कैल्शियम को हटा देता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये न सिर्फ सुपरफिशियल कैल्शियम बल्कि डीपर कैल्शियम को भी हटा देता है, और जब नाड़ियाँ बड़ी हों तब ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी जो है ये एक बैलून होता है जिससे शॉक वेव्स निकलती हैं, वही शॉक वेव्स जो हैं वो कैल्शियम में क्रैक्स कर देती हैं, फ्रैक्चर कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें फिर आसानी हो जाती है, एक तो हार्डवेयर क्रॉस करने में, चाहे वो वायर हो या बैलून हो जिससे हम पहले इसको फुलाते हैं नाड़ी को, या फिर स्टंट डिप्लॉयमेंट हो। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जो ये आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग केस था। लेफ़्ट सिस्टम की मेन नाड़ी जो थी वो डोमिनेंट थी इसकी, इसका
आप समझो कि 99% हार्ट जो है इसी लेफ्ट सिस्टम से सप्लाई होता था, और इस पेशेंट को अगर ज़रा सा भी कुछ टेबल पर हो जाता तो ये उधर ही अरेस्ट हो जाता। लेकिन हमने अपनी सारी तैयारी रखी थी, सारा इक्विपमेंट रेडी रखा था, हमने अपना सारा बेसिक होमवर्क करके रखा था। हमने इनिशियली इसको ऑर्बिटल एथरेक्टमी किया, ऑर्बिटल एथरेक्टमी से हमने मेजर कैल्शियम हटा दिया। उसके बाद हमने इसको आईवीएल थेरेपी भी दे दी, जो इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी जो मैंने बोला शॉक वेव थेरेपी वो भी दे दी, और ये हमने आईवस के अंडर किया। आईवस मींस इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड, जिस तरह बाहर से अल्ट्रासाउंड होता है इसी तरह हार्ट की नाड़ियों के अंदर भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको आईवस बोलते हैं हम। ये उसी के गाइडेंस के उसके थ्रू हम देखते हैं कि इस कैल्शियम, ये पहले कैल्शियम कैसा था, या ऑर्बिटल के बाद कैसा हुआ, या आईवीएल जो हमने किया उसके बाद कितना खुला, तो हमें उससे अंदाज़ा लगता है। उसके बाद मुझे बताइए कि जी स्टंटिंग के लिए आप जाते हैं और काफ़ी चैलेंजिंग ये आपके लिए प्रोसेस रहा। सबसे पहले यही आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, खासतौर से चलो उनकी एज थी, लेकिन आज के टाइम पे यंगस्टर्स में भी हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या कुछ सिम्टम्स जो वो खुद में रिकग्नाइज करें और जान सके कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पहले की बात है, आज से 20 साल 30 साल पहले की बात है, कि हम लोग यही बोलते थे कि भाई हार्ट अटैक जो है ना ये फीमेल्स में 65 साल के बाद ही आता है, मेल्स में 55 साल के बाद ही आता है। लेकिन अब एज कम हो गई है, हम लोग आजकल देख रहे हैं 30 साल 40 साल 35 साल 45 इस उम्र में हार्ट अटैक आता है। प्रोबेबली हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, इकॉनमी बेटर हो गई है, जिसकी वजह से हम सेडेंट्री हो गए हैं, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है। हमारे पास जो चीज़ें जिनसे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो खाने को बहुत ही कॉमन है, आसानी से फराहम है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। दूसरा, अभी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओबेसिटी अपने साथ डायबिटीज़ ले आती है, हाइपरटेंशन ले आती है, कोलेस्ट्रॉल की खराबियाँ ले आती है, ड्रग्स बहुत कॉमन है यंग एज में, सिगरेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिगरेट है यंग एज में। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यंग लोग जो 40 साल के कम की उम्र या 45 साल के कम की उम्र में हार्ट अटैक के 10 मरीज़ देखोगे, उसमें आप पाओगे कि 6 से 7 मरीज़ जो हैं वो सिगरेट पीने वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो हैं इनकी वजह से यंग एज में भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, क्या एक मैसेज सबको देना चाहेंगे? एक तो ये है कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखना चाहिए, बेटर है कि अगर आप स्मोक करते हैं तो छोड़ दें, और अगर नहीं करते हैं तो सबसे अच्छी बात है कभी नहीं करें। फिर अपना खाना पीना जो है वो भी हेल्दी रखना चाहिए, अगर एक्सरसाइज़ करे आदमी तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर रोज़ नहीं कर सके 4-5 दिन भी 30-40 मिनट का ब्रिस्क वॉक करे, उससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ओवरऑल फिटनेस अच्छी रहेगी और हार्ट भी हेल्दी रहेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर मकबूल जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक चैलेंजिंग जो ट्रीटमेंट इनको व्यक्ति का करना पड़ा जिनको हार्ट अटैक आया था, और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, वही जो परफॉर्म ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से जो है J&K का सबसे पहला ऐसा ऑर्बिटल एथरेक्टमी, ये जम्मू कश्मीर का सबसे पहला ऑर्बिटल एथरेक्टमी का जो केस है, और चूंकि हमने इसको हाइब्रिड किया, हमने ऑर्बिटल एथरेक्टमी किया और ऑर्बिटो और इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी भी की, जिसको हम लोग ऑर्बिटोट्रिप्सी बोलते हैं। ऑर्बिटोट्रिप्सी का ये अपर नॉर्थ जोन जो है, अपर नॉर्थ, उसमें सबसे पहला केस। तो काफ़ी सक्सेसफुली इन्होंने किया है ट्रीटमेंट और काफ़ी वो सफल रहा, आज वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और अपने घर जो है वापस जा चुका है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी फूड खाने की आप लोगों को ज़रूरत है, और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि किस किस तरह से हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर चेंज लाएंगे, एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, एक हेल्दी फूड का ज़रूर उपयोग करेंगे। अगले अपने का फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमो।